आज की इस कक्षा में हम एक चर वाली रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। समीकरण हल करना का अर्थ ये होता है कि उसमें अर्थात उस समीकरण में जो चर है उस चर का मान प्राप्त करना। तो इसका पहला प्रश्न ले रहा हूं, x+3=5। तो समीकरण को हल करने के क्रम में हमें समीकरण की बाई ओर चर होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों ओर 3 घटा देंगे। तो ये हमने 3 घटा दिया, तो ऐसा करने से ये +3 ये -3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया x=2। ये चर का हमारा मान आ गया। ये हमने माइनस क्यों किया था ये उद्देश्य आपको पता चल गया होगा। ये 3 जो था +3 इसे हमें कैंसिल करना था। प्रश्न संख्या 2, x+7=12। यहां हम दोनों ओर 7 माइनस करेंगे तो ये +7 ये -7 कैंसिल हो गया, x=5। ये तीसरा नंबर y+8=6। यहां हम दोनों ओर 8 माइनस करेंगे तो ये +8 -8 कैंसिल हो गया, तो y=2 आ गया हमारा -2। फोर्थ x-2=6। यहां हम बाया पक्ष और दाहिना पक्ष में 2 ऐड कर देंगे यानी 2 जोड़ देंगे, तो ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, हमारा x का मान आ गया 8। पांचवा नंबर z-4=8। यहां हम समीकरण के दोनों ओर अर्थात बाएं पक्ष और दाया पक्ष में 4 जोड़ देंगे, तो ये -4 और +4 ये कैंसिल हो गया, हमारा जेड का मान आ गया 12। प्रश्न संख्या 6, 3x=18। इस समीकरण में हम बाया पक्ष और दाया पक्ष में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x/3=18/3। तो हमारा आ गया x=6। 7, 4z=24। यहां हम समीकरण के दोनों ओर 4 से भाग देंगे, 4z/4=24/4। तो हमारा आंसर आ गया z=6। भाग देने का उद्देश्य आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, x/2=7। यहां जो बाया पक्ष में हर में 2 है इसे हमें कैंसिल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष में 2 से गुना कर देंगे, x/2 × 2=7×2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया x=14। क्वेश्चन नंबर 9, p/7=24। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को 7 से गुना कर देंगे, p/7 × 7=24। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा आ गया आंसर p=24×7। 7 × 4=28 और 2 बच गया, 7 × 2=14 और 2 = 168। पी का मान आ गया 168।
क्वेश्चन नंबर 10, 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3। इसे हम ऐसा करेंगे कि पूरा बायां पक्ष को दाहिना लाएंगे और दाहिना पक्ष को बायां लाएंगे, इससे समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर 3 से 3 घटा देंगे, तो ये हमने 3 घटा दिया और यहां भी 3 घटा दिया, तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, हमारा q इज इक्वल टू आ गया 5। प्रश्न संख्या 11, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों ओर यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष में 1 ऐड कर देंगे यानी 1 जोड़ देंगे, तो 2x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो ऐसा करने से ये माइनस 1 और ये प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 2x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में 2 से भाग दे देंगे, 2x by 2 is equal to 4 by 2। तो ये हमारा आ रहा है x is equal to 2। यहां फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, हमारा उद्देश्य क्या था, सबसे पहले कि इस माइनस 1 को कैंसिल किया जाए, तो इसके लिए हमने दोनों ओर प्लस 1 किया, और इसके बाद जब ये समीकरण इस रूप में आ गया तो ये 2 को हमें कैंसिल करना था, इसके लिए हमने समीकरण के दोनों पक्ष में 2 से भाग दिया। ठीक यही प्रक्रिया हम लोग आगे भी अपनाएंगे। 12 नंबर, यह है 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11। दोनों पक्ष में हम 4 ऐड करेंगे, यह हमने ऐड किया तो यह माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो यह हमारा आ गया 3t इज इक्वल टू 15। अब दोनों पक्ष में हम 3 से भाग दे दे रहे हैं, 3t by 3 is equal to 15 by 3, तो हमारा t का मान आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 13, 2y plus 3 is equal to 9। तो सबसे पहले समीकरण के दोनों ओर हम 3 घटा देंगे, तो ये प्लस 3 ये माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 6। अब दोनों पक्ष में हम 2 से भाग दे दे रहे हैं, 2y by 2 इज इक्वल टू 6 by 2, तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 14, 11 प्लस 6p इज इक्वल टू 7। दोनों पक्ष में हम 11 घटा दे रहे हैं, तो ऐसा करने से ये प्लस 11 और ये माइनस 11 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहां आ गया 6p इज इक्वल टू माइनस 4। अब दोनों पक्ष में हम 6 से भाग देंगे, 6p by 6 इज इक्वल टू माइनस 4 by 6, तो ये हमारा हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। प्रश्न संख्या 15, 3/7 जोड़ एक्स इक्वल टू 17/7। यहां हम समीकरण के दोनों ओर 3/7 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/7 जोड़ एक्स माइनस 3/7 इक्वल टू 17/7 घटाओ 3/7, तो ये प्लस 3/7 माइनस 3/7 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया एक्स इक्वल टू, और ये देख रहे हैं कि 17/7 से 3/7 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14/7 यानी 2। अब 16वां नंबर प्रश्न, एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। यहां हम दोनों ओर 3/2 जोड़ देंगे, तो ये एक्स माइनस 3/2 जोड़ 3/2 इक्वल टू 7/6 जोड़ 3/2, तो ये माइनस 3/2 और ये प्लस 3/2 ये कैंसिल हो गया,
तो ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/6 जोड़ 3/2। तो यहां हम देख रहे हैं कि भिन्न का जोड़ आ गया है। तो भिन्न का जोड़ हम कैसे करते हैं, इन दोनों भिन्नों का हमें हर समान करना होता है। तो हम हर कैसे समान करेंगे, यहां पर हमारा इस भिन्न में हर है 6 और यहां 2 है, तो इस 2 को हम 6 बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 7/6 जोड़ 3/2 और 2 को 6 बनाने के लिए हमें इसे 3 से गुना करना होगा। जब हर में हम 3 से गुना करेंगे तो हमें अंश में भी करना होगा। तो अब हमारा हो जाएगा 7/6 जोड़ 9/6। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 7 और 9 16। तो इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। देखिए 2 से हमने भाग दिया, 2 8 16 और 2 3 6, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम 17वां सवाल। टू एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 3। यहां समीकरण के दोनों ओर हम 1/2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 प्लस 1/2। तो यहां देख रहे हैं माइनस 1/2 और प्लस 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा यहां पर आ गया 2x इक्वल टू 7/2। ये 3 प्लस 1/2 को अगर जोड़ेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा। अब दोनों ओर हम 2 से भाग दे देते हैं, तो 2x/2 और ये 7/2 गुना 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया हमारा x इक्वल टू 7/4। प्रश्न संख्या 18, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। सबसे पहले हम दोनों ओर 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 7/15 माइनस 1। तो यहां प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x/3 इक्वल टू 7/15 और इस 1 को हम 15/15 लिख सकते हैं। तो यहां हो गया x/3 और ये हमारा लॉसर तो 15 आ जाएगा और ये 7 से 15 हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8। अब दोनों ओर हम 3 से गुना कर दे रहे हैं, तो x/3 गुना 3 इक्वल टू माइनस 8/15 इंटू 3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया x इक्वल टू माइनस 8/5। ये 3 से 15 कट जाएगा तो 5 आएगा। अब 19वां नंबर प्रश्न, x/4 इक्वल टू 7/8। यहां हम समीकरण के दोनों पक्ष में 4 से गुना कर देंगे, तो x/4 इंटू 4 इक्वल टू 7/8 इंटू 4। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया x इक्वल टू, और ये 4 से कट जाएगा ना दो बार में, तो ये हो जाएगा 7/2। क्वेश्चन नंबर 20, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15। तो पहले इसे हम सरल करेंगे, 3 से गुना करते हैं, तो ये 3x प्लस 6 इक्वल टू 15। सबसे पहले हम समीकरण के दोनों ओर 6 माइनस कर दे रहे हैं, तो 3x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 15 माइनस 6।
तो ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 3x इक्वल टू 9, 15 से 6 घटाते हैं तो 9 आएगा। अब दोनों ओर हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3x by 3 इक्वल टू 9 by 3, तो यहां हमारा आ गया यहां हमारा x इक्वल टू 3।